एक्चुअली आइडिया जो था फिलौरी का वो अंशय का था जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड की शादी हुई थी पेड़ से क्योंकि वो मांगलिक थे, तो उनको वहाँ से आइडिया आया कि क्योंकि उनका मजाक उड़ाते थे अपने दोस्त का कि अगर तेरी पेड़ से शादी हुई है वहाँ पे अगर कोई भूत होगा तो तेरे पे चिमट जाएगा, एंड उसके अराउंड देन एक यू नो एक ये स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्ड हुई। सो आइडिया उनका था, लिखा अनवेदा दत्त ने, एंड हम लोगों को इसमें बहुत यूनिकनेस दिखी, हम लोगों को इसमें पोटेंशियल दिखा कि हम लोग एक घोस्ट का कैरेक्टर, एक घोस्ट की एंटिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स में, विच वॉज़ वेरी एक्साइटिंग टू अस, बिकॉज आई थिंक लव स्टोरीज़ कहानियाँ अक्सर सेम ही होती हैं, बट इट्स द वे यू टेल देम यू नो दैट काइंड ऑफ सेट्स फिल्म्स अपार्ट। सो आई थिंक वी ट्राई टू से दिस स्टोरी इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट रीज़न। ये जो फिलौरी हमें आपके पीछे देखने को मिलती है, ये पूरे लहंगा में हमने ट्रेलर में आज पूरे फिल्म में हमने देखा, लहंगा कहते हैं ना सर, तो ये पता नहीं आप क्या कहते हैं, हम तो लहंगा कहते हैं तो वो मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा था, तो ये कितना कंफर्टेबल था आपके लिए इस लहंगा गेटअप में शूट करना? नहीं ये इजी नहीं था, बिकॉज मैं हार्नेस पे होती थी तो ये पूरा लहंगा से होता था, और बहुत सारे एक्चुअली टेक्निक्स थी, और बहुत अंशय ने और यू नो जो हमारे स्टंट डायरेक्टर थे, बिकॉज ये इन अ वे एक्शन में ही ये इसको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम हार्नेस वर्क एंड ऑल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वायर वर्क, तो उन्होंने काफ़ी बहुत कुछ सोचा हुआ था कि हाउ विल दे बी एबल टू मैनूवर माई बॉडी फ्रॉम हियर टू देयर, एंड आई थिंक सून वेन जब आप लोग देखोगे ये मेकिंग ऑफ शशि द घोस्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि कितना अजीब, मतलब देखने में बड़ा अजीब लगता था जब हम कर रहे होते थे, लेकिन अभी लोगों को जो दिखता है वो तो बस एक भूत दिखता है और एक फेरी टेलिश यू नो भूत दिखता है, लेकिन हम जब कर रहे थे तो वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब जो बीत गई सो बात गई, और जब आप अभी ट्रेलर देख रहे हैं लोगों को इतना पसंद आ रहा है भूत को देखना, हम लोगों को अलग लग रहा है, तो आपको याद ही नहीं रहता कि पेन वेन क्या था। जी ये एक हैंडसम एंड ब्यूटीफुल स्टार कास्ट आपके साथ में मौजूद है, तो आप इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे इनसे? ये सूरज, आपने खुद ही कर दिया, मुझसे पूछा भी मेरे को जवाब में, चलिए ओके आपसे। तो ये है सूरज शर्मा, जिनको आपने लाइफ ऑफ पाई में देखा होगा, मिलियन डॉलर आम में देखा होगा, उन्होंने एक सीरीज़ में भी काम किया जिसका नाम है होमलैंड, ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और आज ये इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है, और मेरे दाएं में है महरीन पीरज़ादा जिनकी भी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है, तो ये एक बहुत ही फाइन एक्ट्रेस हैं, बहुत ही फ्रेश एंड रॉ एक्टर हैं, एंड हम बहुत खुश हमारी फिल्म में हैं। अब आप पूछो। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आई थिंक फ्रॉम द गेट गो, स्टार्टिंग से फ्रॉम टाइम आई रेड द स्क्रिप्ट राइट टू द एंड राइट टिल नाउ, इट्स बीन अ रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड वर्किंग विद अनुष्का वाज अमेजिंग, आई लर्नड अ लॉट। आई फील कि यू ऑलवेज नीड, जब कुछ नया कर रहे हो यू ऑलवेज नीड पीपल टू गाइड यू एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट वर्क्स बेटर देन व्हाट, so she really guided me with that, Anshay sir also really guided me with that, and working with Mehreen was also really amazing because we have this really good bond connect, and it really helped me feel comfortable and feel like we are doing something that you know is great in itself, like the work, but also something that is so much fun that why would you do anything else. To ye jo Shashi aapko zyada darati hai ya Anushka? Yaar Shashi, Anushka does not scare me. Except when maybe no, she never scares me. Yeah, so Shashi for sure. Lekin Shashi bhi yaar, Shashi is so sweet na ki wo darna bhi mushkil ho jata hai. Ji, Mehreen ji, aapke kirdar ke bare mein jaanna chahiye. धमाका तो आई थिंक पूरी मूवी करेगी हमारी फिलौरी। ये एक ऐसी मूवी है, मतलब दिस वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मतलब यू नो बींग अ डेब्यूटेंट, आई डोंट थिंक मतलब किसी को भी आज तक इतना अच्छा, एटलीस्ट लाइक मेरी जानकारी में तो नहीं है, किसी को भी इतना अच्छा मौका मिला होगा इतने अमेजिंग लोग के साथ काम करने का, लाइक इन द फर्स्ट फिल्म इन सच टैलेंटेड पीपल, यू नो बींग द ओनली न्यू कमर, बहुत बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था फिलौरी में काम करने का, एंड आई रियली वांट टू थैंक अनुष्का, कर्णेश, अंशय सर, अनविता मैम, एवरीबडी, फॉक्स फॉर यू नो गेटिंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म। फिलौरी एक ऐसी मूवी थी, मतलब जब मुझे पता चला मैं सिलेक्ट हुई, मैंने इस मूवी का स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ा, क्योंकि एक फीलिंग ही इतनी अच्छी थी इस मूवी के बारे में, मतलब कि मुझे लगा ही नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, मतलब इस मूवी का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम सो ग्लैड कि सबको इतना अच्छा लगा ट्रेलर,
और शशि शशि वॉज देयर एंड सबको मतलब बाकी तो शशि की ब्लेसिंग्स हैं आई थिंक हम दोनों पे के ऊपर बीइंग न्यू कमर्स आई एम श्योर दैट एवरीबडी इज गोइंग टू लव द फिल्म. मुझे एक्चुअली शुरुआत में पहले जब मेरा ऑडिशन हुआ था मुझे तब नहीं पता था, मुझे पता था कि ये प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि यू नो कि ये भी मूवी में है. उसके बाद तो मतलब एकदम ऐसे हो गया था कि स्टैम्प जैसे कि अब तो मतलब यू नो होना चाहिए ये, क्योंकि ऑब्वियसली इससे और ज़्यादा अमेजिंग बात नहीं हो सकती. मतलब ये मतलब शी इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल यू नो लाइक कि शी इज़ नॉट फ्रॉम द फिल्म फैमिली एंड येट डूइंग सो वेल एंड यू नो शी इज़ ऑन द टॉप एंड अब प्रोड्यूसर भी इतनी अच्छी हैं एंड नए लोगों को मौका दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है. मतलब बींग न्यू कमर्स लाइक शी इज़ लाइक हमारी मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर या मैं यू नो एक्टर्स एंड सिंगर, कितने सारे नए लोगों को मौका दिया अपना टैलेंट शोकेस करने का, ये बहुत बड़ी बात है टू डू दैट. सो या आपने मुझे बोला था कि मैं चाहती हूँ कि बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पे भी जाके हिट होके बैठे, तो सो बेसिकली सोशल मीडिया कैंपेन है, बहुत अच्छा करा है उसने, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई है, एक इंटरेस्ट बढ़ाया है. जो फिल्म का जो एक सुर है, जो वन ऑफ द सुर्स है, वो जो है घोस्ट का, वो उसको एनहेंस किया है. सो वी वेरी हैप्पी दैट लोगों को फनी लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट इज शेयरिंग इट सो मच एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड फीडबैक ऑन इट. सो इट्स फीलिंग वेरी गुड एंड वी आर ऑल गेट अप फॉर द रिलीज ऑन 24th of March. वो तो आपकी मैं भगवान लग रही हूँ, क्या लग रहा है मैं भगवान हूँ, मैं कोई जवाब दे पाऊँगी? हमेशा से लोग एक उम्मीदें रखते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक. आपको आज तक इसका जवाब मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है. तो यू कांट पुट अ नंबर ऑन इट, यू डोंट नो व्हाट इट इज, बट यू कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट दैट कैन हैपन फॉर द फिल्म एंड दैट्स इट. ओके अनुष्का जी, एक आखिरी सवाल ये कि जितना मेरा नॉलेज है 1 विकेट्स पूरा होने वाला आपको इंडस्ट्री में, क्या फील करते हैं आपको इतना सारा प्यार मिला और देखिए एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है बिकॉज मेरे जो चॉइसेस रही हैं वो काफ़ी अनकन्वेंशनल रही हैं, तो उस ऐसी अनकन्वेंशनल चॉइसेस में लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है. और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मेरा साथ दिया है, फैंस ने साथ दिया है, आवाम ने मेरा साथ दिया है, मुझे अप्रिशिएट किया है, वो मुझे देखना चाहते हैं थिएटर्स में, मेरी अलग टाइप की फिल्मों को देखना चाहते हैं. तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत खुशी है कि आई गॉट टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री एंड आई गॉट टू वर्क विद सम रियली गुड को एक्टर्स. सो ऑल इन ऑल इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी. अभी हम दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी, तो मतलब इट्स ऑल अ ह्यूज ब्लेसिंग. थैंक यू.